Hey everyone, I am Aditya from Aon IAS Academy और हमने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया दैट वी आर डिकोडिंग द ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, ये सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और आज की जो हमारी ग्रेट पर्सनालिटी है वो है बाल गंगाधर तिलक। पहले तो आप ये जान लीजिए, अभी तक जितने भी वीडियोस आए हैं वो जो हमारे सोशल रिफॉर्मर है वो 19th सेंचुरी के। इसके बाद जो हम ये कंटिन्यू करेंगे, अब हम देखेंगे कि 20th सेंचुरी के कौन से रिफॉर्मर्स, क्लियर। तो सबसे पहले हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो है हमारे बाल गंगाधर तिलक। एज यूजल हम इनको पैरामीटर, हमारे तीन पैरामीटर्स पे इनको डिकोड करेंगे। कौन से? फर्स्ट वन इज उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा जान लेंगे, सेकेंड उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है वो हम जान लेंगे, ये एग्जाम ओरिएंटेड ज्यादा हाईलाइटेड होता है कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड वन इज हम कुछ क्वेश्चन देख लेंगे जिसको हम टारगेट करने की कोशिश करेंगे। सो पर्सनल लाइफ के बारे में अगर हम जान ले, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए जो 20th सेंचुरी के जो रिफॉर्मर्स हुए इनको हम दो गुट में बांट सकते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सट्रीमिस्ट, दैट इज गरम दल के नेता, एंड सेकेंड वन इज मॉडरेट, दैट इज नरम दल के नेता। आज हम जो पर्सनालिटी को डिकोड कर रहे हैं वो है हमारे बाल गंगाधर तिलक। तो ये कौन से गुट में आते थे? वो आते थे एक्सट्रीमिस्ट वाले सेक्शन में, वो आते थे, क्लियर। नाउ इफ अगर बाल गंगाधर तिलक साहब की अगर हम पर्सनल लाइफ के बारे में अगर कुछ देखें तो उनका जन्म कब हुआ है? उनका जन्म हुआ है 23 जुलाई 1856, कहाँ? रत्नागिरी। वो समय में वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट हुआ करता था। उनके जो पापा है वो एक टीचर थे, क्लियर है, और साथ ही साथ वो संस्कृत स्कॉलर भी थे। अब हम तिलक साहब की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जान लेते। उनका जन्म कब हुआ है? उनका जन्म हुआ है 23 जुलाई 1856, कहा? रत्नागिरी में, जो कि उस समय में बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट हुआ करता था। उनके जो पापा है वो एक टीचर प्रोफेशन के थे, क्लियर, और साथ ही साथ वो एक संस्कृत स्कॉलर भी थे, और उनके ही मार्गदर्शन के चलते हुए एक आम सा बंदा काफी स्टूडियस और डिसिप्लिन का वातावरण उनके घर में था। और जब तिलक साहब 16 साल के होते हैं तब उनके पापा की डेथ भी हो जाती है, और इससे वो नाराज नहीं होते बल्कि और मोटिवेट होते हैं और अपना सोशल वर्क करने के लिए या फिर अपनी पढ़ाई पूरी करने में वो पूरा फोकस। अब हम उनके एजुकेशन करियर के बारे में, एजुकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की कहां से? डेक्कन कॉलेज ऑफ पुणे। और कौन सी? बैचलर ऑफ आर्ट इन मैथमेटिक्स, कब? 1877 में। और 1879 में उन्होंने LLB की डिग्री भी प्राप्त की, कहां से? गवर्नमेंट ऑफ लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। तो वो बाय प्रोफेशन लॉयर मान सकते। ये तो हो गया उनका एजुकेशन के बारे में। अब हम उनका मेन फोकस, प्रायर फोकस में चलते हैं, दैट इज उनका कंट्रीब्यूशन। तो तिलक साहब के कंट्रीब्यूशन को हम तीन मेन पिलर में डिकोड कर सकते हैं। कौन से? एजुकेशन फील्ड के लिए उन्होंने क्या किया, जर्नलिस्ट फील्ड के लिए उन्होंने क्या किया, एंड लास्ट वन इज पॉलिटिशियन, जो कि सबसे हाईलाइटेड। अब हम पहला उनका पैरामीटर देखते हैं, दैट इज एजुकेशन। एजुकेशन के फील्ड के लिए तिलक साहब का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है? सबसे पहले उन्होंने जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको तो क्रिटिसाइज किया, उन्होंने बोला कि नहीं, हमें वेस्टर्न एजुकेशन में पढ़ना ही नहीं चाहिए। और ये चलते हुए उन्होंने 1880 में एक स्कूल की स्थापना की, दैट इज न्यू इंग्लिश स्कूल। देन 1884 में उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की भी स्थापना की। अब क्या मकसद था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का? उनका ऐसा कहना था कि हमें यूथ को एनकरेज करना चाहिए, किस चीज के लिए? सबसे पहले इंग्लिश पढ़ो, ये उनका मकसद था। एंड सेकेंड वन इज जो नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी है जो आगे जाके हमें आजादी की तरफ लेके जाएगी, ये आइडियोलॉजी को बूस्टअप करने के लिए उन्होंने ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। और साथ ही साथ बच्चों में इंडियन कल्चर का प्राइड, इंडियन कल्चर क्या है इसका इतिहास भी ये डेक्कन सोसाइटी में पढ़ाया गया। और देखते ही देखते 1885 में ये जो सोसाइटी के अंडर में इन्होंने एक नई कॉलेज की स्थापना की, दैट इज फर्ग्यूसन कॉलेज इन पुणे, और ये अभी भी काफी फेमस है, क्लियर है। एंड इन 1819 ये सारा कंट्रीब्यूशन एजुकेशन में फील्ड में करने के बाद 1890 में उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को छोड़ दिया और उन्होंने जो कांग्रेस जो फॉर्म हुई है उसको वो ज्वाइन कर लेते। ये रहा उनका एजुकेशन रिलेटेड कंट्रीब्यूशन। अब हम उनका जर्नलिस्ट, एज एन अ जर्नलिस्ट हम तिलक साहब को देखते हैं, तो उन्होंने दो न्यूज़पेपर्स, वीकली दो न्यूज़पेपर की उन्होंने पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट वन इज केसरी,
जो कि मराठी में आता था, एंड सेकेंड वन इज द मराठा जो कि इंग्लिश में आता था। याद रखिए, ये काफी हाईलाइटेड पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भूलिएगा मत। अब हम उनका जो मेन फोकस है या फिर जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है उनका पॉलिटिकल करियर। तो अब हम उनका पॉलिटिकल करियर के बारे में जान लेते हैं। तिलक साहब ने कांग्रेस को ज्वाइन किया 1890 में, और जैसे ही उन्होंने ज्वाइन किया उन्होंने काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, काफी अच्छा काम करना स्टार्ट कर दिए, और उन्होंने डायरेक्ट ये बात बोलना स्टार्ट कर दिया कि जो मॉडरेट व्यूज है या जो मॉडरेट लोगों की सोच है वो हमें इंडिपेंडेंस या फिर आजादी नहीं दिला सकती। ये उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही था, और इसी के चलते हम आगे देखेंगे कि कैसे मॉडरेट और इनके बीच में क्लैशेस आते हैं और स्प्लिट होता है, ये हम आगे देखेंगे। क्लियर। इनका ऐसा कहना था कि सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करके हमें आजादी नहीं मिल सकती है। मॉडरेट का ये कहना था कि अगर हमें आजादी चाहिए तो हमें रेगुलर कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करना चाहिए। तो ये बात को नकारते हुए तिलक साहब ने बोला कि नहीं, ये टूल से हमें कभी आजादी नहीं मिल सकती। और यही जो अपना डायरेक्ट जो व्यक्तित्व देने के कारण उनका काफी जो प्रोमिनेंट लीडर्स है कांग्रेस में वो समय के, उनके खिलाफ में इनके क्लैश अनबन चालू हो जाती है। सो तिलक साहब का इतना हार्ड स्टेटमेंट के कारण उनकी एक नई छवि दिख के आती है आईएनसी में, दैट इज वो एक्सट्रीमिस्ट विंग के लीडर के तौर पे वो हाईलाइट होते हैं कांग्रेस में। ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीमिस्ट विंग ने कुछ नहीं किया, नहीं, इनको भी काफी लोगों ने सपोर्ट किया। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि बिपिन चंद्र पाल ऑफ बंगाल, वो जो तिलक साहब की आइडियोलॉजी है उनसे वो सिंक करते थे या सिंक्रोनाइज करते थे। लाला लाजपत राय जो कि पंजाब के एक लीडर थे, वो भी जो हमारे तिलक साहब है उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे, और ये तीनों लाल बाल पाल के नाम से जाना जाने लगे, और कांग्रेस में इनकी छवि एज एन एक्सट्रीमिस्ट के तौर पर उभरती गई। क्लियर। तिलक साहब का ऐसा कहना था कि उन्होंने दो फेस्टिवल भी इस्टैब्लिश किए या मनाना स्टार्ट कर दिया। कौन से? फर्स्ट वन इज गणेश चतुर्थी एंड सेकेंड वन इज शिवाजी जयंती। अब ये जो फेस्टिवल इन्होंने स्टार्ट करना स्टार्ट किया, इसके पीछे का क्या मतलब था? इनका पीछे का मतलब ये था कि लोग एकत्र होंगे, मतलब लोग एक साथ आएंगे, हमारा जो कहना है वो लोगों तक इजिली प्रोपोगेट होगा, तो इसीलिए उन्होंने ये दो फेस्टिवल स्टार्ट कराए। Now, in 1897 में पुणे और पुणे के आजू बाजू में प्लेग की महामारी बहुत फैल रही थी, और उन्होंने अपने न्यूज़पेपर के द्वारा ब्रिटिशर्स की जो ऑपरेसिव पॉलिसीज है उसको काफी टारगेट किया, और ये देखते हुए दो बंधु थे, दैट इज चापेकर ब्रदर, ये जो आर्टिकल्स ये जो छापते थे या जो आइडियोलॉजी जो तिलक साहब प्रपोगेट करते थे अगेंस्ट द ऑपरेसिव नेचर ऑफ ब्रिटिशर, इससे प्रेरित होके जो चाफेकर ब्रदर्स है उन्होंने कमिश्नर रैंड जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर थे, ब्रिटिशर ऑफिसर थे, उनकी हत्या कर दी, और ये हत्या होते ही तिलक साहब को जेल हुई फॉर 18 मंथ, और क्या क्या चार्जेस लगाए? सेडिशन चार्जेस उनके ऊपर लगाए, और उन्हीं के कारण ये मर्डर हुआ, ऐसे चार्जेस लगाकर उनको 18 महीनों की जेल भी होती है। इन 1905 वो समय के जो वायसराय है दैट इज कर्जन, उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया, उन्होंने बंगाल को विभाजित कर दिया। ये चलते हुए तिलक साहब ने कहा कि ये हमारी इंटेग्रिटी पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, और हमें इसका बिंदास होके हमें इनका आंदोलन करना चाहिए। क्लियर है। तो कैसे आंदोलन करना चाहिए? उनका ऐसा कहना था कि उन्होंने जो ब्रिटिश के जो गुड्स है उसको बायकॉट करना चाहिए, उन्होंने कहा कि हमें ब्रिटिश दफ्तरों में नहीं जाना चाहिए, और इनका जो आइडियोलॉजी है ये आगे जाके एक मूवमेंट में कन्वर्ट होती है, एंड दैट मूवमेंट इज नेम एज वॉर स्वदेशी मूवमेंट। क्लियर है, आपको समझ पा रहे कि इनके कहे गए जो स्टांस है वो आगे जाके एक मूवमेंट में भी कन्वर्ट हो रहे, तो आप समझ सकते हो कि इनका इंपॉर्टेंस कितना। उनका ऐसा भी कहना था कि इन्होंने जो हमारे पर्सनल इंटेग्रिटी पे जो क्वेश्चन उठाया बंगाल का विभाजन करते हुए, हमें आम का यूज करना चाहिए और इनको हकाल देना चाहिए हमारे देश से, और ये आइडियोलॉजी के चलते मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में बहुत तनाव बढ़ता है, एंड रिजल्टेड इन 1907 में जो सूरत सेशन होता है वहां मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है, और ये जो इवेंट होता है इसको काफी अच्छे नाम से हिस्ट्री में जाना जाता है, दैट इज सूरत स्प्लिट।
नाउ जैसे ही सूरत स्प्लिट हुआ, ब्रिटिशर्स के पास एक मौका आया, जो ये कांग्रेस जो एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बन रही थी, उसमें विभाजन होने के कारण जो हमारे जो ब्रिटिशर्स है वो काफी खुश हुए, और जैसे ही ये विभाजन हुआ उन्होंने हमारे जो तिलक साहब है उनको अरेस्ट कर दिया और उनको 6 साल की प्रिजन स्टेटमेंट सुना दी और उनको बर्मा डिपोर्ट कर दिया। वहां वो रह के निराश नहीं हुआ, उन्होंने एक किताब लिखी, दैट इज गीता रहस्य। तो पूछा जाता है कि गीता रहस्य किसने लिखी और कब लिखी गई है, क्लियर। नाउ इन 1916 क्या हो रहा है, जैसे ही जेल से छूटने के बाद तिलक साहब वापस आते हैं और वो फिर से रीएडमिट हो जाते हैं INC में, और वो कौन से सेशन में हो रहा है, दैट इज इन लखनऊ सेशन, और यहां वो एस्टैब्लिश करते हैं ऑल इंडिया होम रूल लीग, कहां, बेलगाम में। और यहां उन्होंने एक जो उनका कोट काफी फेमस है वो उन्होंने हाईलाइट किया, दैट इज स्वराज्य इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये जो स्लोगन है इन्होंने ये प्रोपोगेट किया। और आगे जाके जो ये होम रूल लीग की जो इन्होंने स्थापना की, आगे जाके होम रूल मूवमेंट में तब्दील हो जाती है, जो कि हिस्ट्री का एक मेन पार्ट है। इतना सारा कंट्रीब्यूशन करने के बाद हम ये हमारी पर्सनालिटी को खो देते हैं ऑन 1st August 1920, और एक यही दिन एक मूवमेंट, एक नया नेशनल मूवमेंट भी गांधी जी लॉन्च करता है, दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो याद रहे, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, या फिर जो इनकी डेथ है इनके दिन कौन सी मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, तो ये हमें याद रहना चाहिए। So, ये तो हो गया उनका कंट्रीब्यूशन। अब हम देखते हैं कि पब्लिकेशन कौन से किताबें उन्होंने लिखी है। तो 1893 में उन्होंने एक किताब लिखी, दैट इज द ओरियन रिसर्च इनटू द एंटीक्विटी ऑफ द वेदास, जो वेदास का जो क्रक्स है उन्होंने ये किताब के द्वारा प्रोपोगेट किया। सेकेंड 1993 में आर्किट होम इन द वेदास, मतलब उन्होंने ये डिकोड करने की कोशिश की कि आर्यन कहां से आए हैं, तो उनका ऐसा कहना था कि आर्यन ये आर्किट रीजन से आए हैं, ऐसा इन्होंने ये किताब में लिखा है। और 1915 में एज आई सेड उन्होंने गीता रहस्य लिखा है, इस ये किताब में उन्होंने गीता के क्रक्स बना के उनको डिकोड करके ये किताब में उन्होंने लिखा है। और एक क्वेश्चन बन सकता है तिलक साहब के ऊपर कि उनको काफी सारे टाइटल्स दिए गए, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें क्या कहती थी, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, उनके जो फॉलोअर्स थे वो उन्हें क्या कहते थे, लोकमान्य, लोकमान्य में लोगों के द्वारा माना गया लीडर, दैट इज लोकमान्य, और वो कौन है, वो हमारे तिलक साहब है। गांधी जी ने उन्हें क्या कहा है, द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये टाइटल्स उन्हें मिले और क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते। तो अभी तक हमने सारा पर्सनल लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन देख लिया, और जो हमारा लास्ट पैरामीटर है दैट इज क्वेश्चन सेक्शन, हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बाल गंगाधर तिलक, फर्स्ट वन इज टीचर, सोशल रिफॉर्मर, फिजिशियन एंड जर्नलिस्ट। एज आई सेड ये टीचर भी थे, ये सोशल रिफॉर्मर भी थे और जर्नलिस्ट भी थे, ये क्या नहीं थे, फिजिशियन, क्लियर है। तो राइट ऑप्शन विल बी सी, फिजिशियन वो नहीं थे। 2010 में एक क्वेश्चन तिलक साहब के रिलेटेड में पूछा गया था, और क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट, ऑप्शंस आर बाल गंगाधर तिलक, सेकंड वन इज सुभाष चंद्र बोस, थर्ड वन इज महात्मा गांधी एंड लास्ट वन इज पंडित नेहरू। तो राइट ऑप्शन इज ए, दैट इज बाल गंगाधर तिलक, अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द मराठी न्यूज़पेपर दैट वॉज एडिटेड बाय बाल गंगाधर तिलक, और ये न्यूज़पेपर में वो क्या करते थे, क्रिटिसाइज करते थे ब्रिटिश रूल को, तो वो कौन सा किताब है, एंड दिस विल बी द होमवर्क। ऑप्शन इज केसरी, लोकमत, थर्ड वन इज लोकसत्ता एंड लास्ट वन इज दैनिक इकाय। सो जो राइट आंसर होगा आप प्लीज वो कमेंट सेक्शन में पिंग करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द मूवमेंट लॉन्च फॉलोइंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जैसे ही पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो कौन सी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, ये हमें यूपीएससी 2008 में पूछा गया। तो ऑप्शंस आर क्विट इंडिया मूवमेंट, सेकंड इज साल्ट सत्याग्रह, थर्ड वन इज स्वदेशी मूवमेंट एंड लास्ट वन इज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एज वी स्टडीड तो कौन सी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, स्वदेशी मूवमेंट, जिनको बायकॉट करना ब्रिटिश गुट का ये कहना था तिलक साहब का, और उससे रिलेटेड ये आगे जाके क्या बनती है, एक मूवमेंट बनते। तो राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज स्वदेशी। इफ अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।